बहुत बार आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। बहुत बार आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। भाइयों और बहनों, हमारे नेता रोडमल जी ने 2000 करोड़ का प्रावधान रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन परियोजना के लिए किया, अनाज उत्पादन 12 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचा, 200 बिस्तरों के अस्पताल को 500 बिस्तर का बनाया, 400 करोड़ से राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया, 1600 करोड़ से 7000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन से 1350 गांवों में नल से जल पहुंचाया और 27 करोड़ के खर्चे से देश में 7 में से 1 ऐसा व्यावसायिक महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। 13 करोड़ से आदर्श महाविद्यालय, 12 करोड़ से नवीन शासकीय महाविद्यालय, 9 करोड़ से लॉ कॉलेज, 400 करोड़ से मेडिकल कॉलेज और पीएम श्री स्कूल को बनाने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। और राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़